किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप फोटो को ऑनलाइन अपलोड करके ये काम कर सकते हो। तो इसके लिए एक वेबसाइट है remove.bg, ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसमें अपलोड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाके हम फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड होने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। अगर मान लीजिए हमारी कोई ग्रुप फोटो है तो उसका भी बैकग्राउंड ये वेबसाइट रिमूव कर सकती है। सिंपली अपलोड पे जाएंगे और ग्रुप फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप फोटो का भी इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब बात आती है, मान लीजिए ग्रुप फोटो में से किसी एक फोटो का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो कैसे करें। बेस्ट ऑप्शन है फोटोशॉप का, मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों किस तरह से रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। सबसे पहले फोटोशॉप में फोटो ओपन कर लीजिए, ग्रुप फोटो। ये ओपन करने के बाद जिस फोटो को आप अलग करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए पेन टूल सेलेक्ट कीजिए और फोटो को सेलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, ओके। तो देख सकते हैं हमारी फोटो सेलेक्ट हो गई है। अब इस फोटो को हम न्यू फाइल में मूव कर देंगे। तो इसके लिए फाइल पे जाके हम न्यू फाइल पे जाएंगे। मूव करने के लिए मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और फोटो को ड्रैग करके न्यू फाइल में छोड़ देंगे। छोटा बड़ा साइज एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारी फोटो तैयार है, इसको हम JPG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। और दोस्तों उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है जो इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, और वेबसाइट इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी। एक तो ये तरीका है सिंपल और इजी तरीका, दूसरा तरीका ये है हम फोटोशॉप में भी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये फोटो है, राइट साइड में आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में लॉक लगा हुआ है, तो इसको डबल क्लिक करके हटा लेंगे पहले, ओके। अब मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करेंगे और फोटो में खाली जगह पर क्लिक कर देंगे, इससे फोटो का पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। डिलीट प्रेस करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब इसको हम सेव कर लेंगे। और सेव करते टाइम ये ध्यान रखना है हमें इसको PNG फॉर्मेट में सेव करना है, ना कि JPG में, क्योंकि दोस्तों PNG फॉर्मेट का बैकग्राउंड नहीं होता जबकि JPG फॉर्मेट में बैकग्राउंड होता है। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी फोटो तैयार है और अब फोटोशॉप में देखिए हमने ओपन कर लिया है, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करके फोटो को ड्रैग करके सीनरी में ले आएंगे, साइज छोटा बड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये PNG फॉर्मेट वाली है। अब JPG वाली को मैं मूव करके अगर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं कि साथ में बैकग्राउंड भी आ रहा है। दोनों में ये फ़र्क है दोस्तों, PNG फॉर्मेट में सेव करनी है आपको जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है। और बैकग्राउंड को आप बिल्कुल इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं ऑनलाइन अपलोड करके या फोटोशॉप की हेल्प से। ये वीडियो था दोस्तों आज का, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।